हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। आज के दिन जन्मे जातकों को हमारी ओर से उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ दैनिक राशिफल, और आपके साथ हम चर्चा करेंगे इस दैनिक राशिफल की, जो वर्तमान में गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ मेष राशि से लेकर और मीन राशि के जातकों तक दैनिक राशिफल की बात करें, आपको जानकारी देना चाहेंगे आज के पंचांग के विषय में। तो आइए जानते हैं आज का पंचांग। देखिए, दिनांक 12 मार्च सन 2021, दिन शुक्रवार और संवत 2077, हिंदी का महीना फाल्गुन, पक्ष कृष्ण पक्ष और तिथि जो है वो चतुर्दशी, नक्षत्र शतभिषा, योग सिद्ध करण शकुनी और राशि आज की कुंभ। चंद्रमा कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, उनका गोचर हो रहा है कुंभ राशि में। राहु काल का समय है आज प्रातः 11:07 से लेकर दोपहर 12:37 तक, और इस राहु काल की जो हमने समय अवधि आपको बताई है, इसमें कोई भी जातक शुभ कार्य ना करें, क्योंकि इसमें किया गया कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता और उसमें बाधाएं और परेशानियां अलग आती हैं। अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 1:01 तक रहने वाला है। इस अवधि में जो भी जातक आज अपना कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। तो ये था साथियों आज का पंचांग। अब हम करेंगे आपके साथ चर्चा आपके दैनिक राशि फल के विषय में, और आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि यानी कि एरीज साइन। देखिए, कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा हुआ है, इसलिए इनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश आप कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा। मुमकिन है कि आज आपकी आंखें किसी से चार हों। अगर आप अपने सामाजिक दायरे में उठेंगे बैठेंगे तो किसी भी खर्चीले काम या योजना में हाथ डालने से पहले ठीक तरह से सोच विचार अवश्य कर लें। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी या थकाऊ रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ना है आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। दिन के अंत में आपको अपने लिए कुछ समय जरूर मिलेगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं। रोजमर्रा की शादीशुदा जिंदगी में आज का दिन आपके लिए किसी लजीज मिठाई से कम नहीं रहने वाला। उपाय क्या होगा आज का? घर में मोर के पंख रखें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके रोजगार या व्यापार में आप सफलता हासिल करेंगे। वृषभ यानी कि टॉरस साइन, अब बताएंगे आपको जो वृषभ राशि के जातक हैं, टॉरस साइन के एसेंट जो जातक हैं, उनका दिन आज का कैसा रहने वाला है। देखिए, रचनात्मक कार्य आपको सुकून देंगे। आप स्वयं को नए रोमांचक हालातों में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा भी पहुंचाने वाले हैं। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए आज का समय बहुत अच्छा है। आपकी प्रेम कहानी आज एक नया मोड़ ले सकती है। आपका साथी आज आपसे शादी को लेकर बात भी कर सकता है। ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको विचार अवश्य करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपके सामने नई चुनौतियां आएंगी, खास तौर पर अगर आप कूटनीतिक तरीकों से चीजों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो। आज इस राशि के कुछ छात्र लैपटॉप या टीवी पर कोई मूवी देखकर अपना कीमती समय जाया कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वैवाहिक जीवन ज्यादातर झगड़ों और सेक्स के ही इर्द गिर्द घूमा करता है, लेकिन आज आपके सब कुछ शांत रहने वाला है। उपाय क्या किया जाए? गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करने से नौकरी या व्यापार में उन्नति। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं।
बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की आप कोशिश कीजिए। आज धन लाभ होने की भी संभावना बनी हुई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम ना हो पाए। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। प्यार का भरपूर लुत्फ मिल सकता है। आपके काम की गुणवत्ता देखकर आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। इस राशि के जातक आज के दिन अपने भाई और बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या कोई मैच आदि देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच में प्यार में भी इजाफा होगा। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातें करने का बहुत ही सही समय है और बहुत उपयुक्त समय है। उपाय: अच्छी सेहत के लिए सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार अवश्य करें। कर्क राशि यानी के कैंसर साइन, रोजमर्रा की गतिविधियों में गर्भवती महिलाओं को ज्यादा सावधानी बरतने की आज आवश्यकता है। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाला है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने का आज दिन है। आपका प्रिय आज रोमांटिक मूड में होगा। दफ्तर में आपको पता ये लग सकता है कि जिसे आप अपना दुश्मन समझ रहे थे वह दरअसल आपका शुभचिंतक है। आपका प्रेमी आपको पर्याप्त समय नहीं देता, यह शिकायत आज आप खुलकर उनके सामने भी कर सकते हैं। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलखिलाते हैं, लेकिन आज जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज का उपाय है पीपल के वृक्ष पर जल में दूध मिलाकर के चढ़ाएं, उससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, आप जो शारीरिक बदलाव आज कर रहे हैं करेंगे वे निश्चित तौर पर आपके रूप और रंग को आकर्षक बनाने वाला है। निवेश करना कई बार आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। आज आपको ये बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश से आज आपको कोई मुनाफा भी हो सकता है। अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे का प्रबंधन बिल्कुल ना करने दें, नहीं तो जल्दी ही आप अपने तयशुदा बजट से कहीं आगे निकल जाएंगे। विवाह प्रस्ताव के लिए सही समय है क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के साथ में बदल सकता है। अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप करियर में नए दरवाजे अपने लिए आज खोल सकते हैं। अपने क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने की भी संभावना बन रही है। अपनी सभी क्षमताओं को निखार कर औरों से बेहतर बनाने की कोशिश आप करें। पैसा प्यार परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने भी जा सकते हैं। जब आपका जीवन साथी सारे मनमुटाव भुलाकर प्यार के साथ आपके पास फिर आएगा तो जीवन और भी ज्यादा सुंदर लगने लगेगा। उपाय क्या है आज का? लाल व भूरी चींटियों को खांड मिश्री आदि खिलाने से पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं दूर होंगी। कन्या राशि यानी के वर्गो साइन, शारीरिक बीमारी के सही होने की काफी संभावनाएं बनी हुई हैं और इसके चलते आप शीघ्र ही खेल कूद में हिस्सा भी ले सकते हैं। आपका धन कहां खर्च हो रहा है इस पर आपको नजर बनाए रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में आपको आर्थिक परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। आप में से कुछ गहने या घरेलू सामान आज खरीद सकते हैं। अपने प्रिय की बातों के प्रति आप जरूरत से ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। आपको अपने जज्बातों पर काबू रखने की आवश्यकता है और ऐसा कुछ करने से भी आपको बचना है जो मामले को और अधिक बिगाड़ दें। आज ऑफिस में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आपका कोई खास ही आज आपके साथ विश्वासघात कर सकता है जिसके कारण से आप दिन भर परेशान रह सकते हैं। आपका प्रेमी आपको पर्याप्त समय नहीं दे रहा है, यह शिकायत आज आप खुलकर उसके सामने कर सकते हैं। रिश्तेदारों को लेकर जीवन साथी के साथ नोकझोंक आज हो सकती है। उपाय क्या करें? उपाय करें
सफेद चंदन की जड़ को नीले वस्त्र में लपेटकर अपने पास रखने से आपके जो प्रेम संबंध है उसमें आप सफल होंगे। तुला राशि यानी के लिब्रा साइन, देखिए आपका जो मनमौजी बर्ताव सेहत के लिए परेशानी थोड़ी खड़ी कर सकता है, ये बात आज आपको समझनी होगी। आज आप अच्छा पैसा कमाएंगे वैसे तो, लेकिन खर्च में भी आपके इजाफा आपके लिए जो बचत है उसको और ज्यादा मुश्किल बना सकता है। दोस्तों का साथ, जो दोस्तों का जो साथ है उनका सहयोग है, उससे आपको आज काफी राहत मिलने वाली है। आपके प्रिय की खराब तबीयत के चलते हुए रोमांस को दरकिनार करना पड़ सकता है। अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल पेशेवर मामलों को सहजता से सुलझाने में करें, आप सफल होंगे। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारियां और तथ्य मुहैया कराएंगे। किसी पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार की वजह से वैवाहिक जीवन में अनबन भी मुमकिन है। उपाय क्या करें? भगवान शंकर जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उससे आपकी हेल्थ में सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका मजबूत रहेगा। वृश्चिक राशि यानी के स्कॉर्पियो साइन, अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करिएगा और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। आज आप आसानी से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। दोस्त और जीवन साथी आपके लिए सुकून और खुशी लेकर के आएंगे, नहीं तो आपका दिन बुझा बुझा और दौड़ भाग से भरा हुआ रहेगा। भावनात्मक उथल पुथल आपको आज कुछ परेशान कर सकती है। दफ्तर में कोई आपकी योजनाओं में अड़ंगा लगा सकता है, इसलिए आंखें खोल कर रखिए और अपने चारों ओर हो रही गतिविधियों के प्रति पूरी तरह से सचेत रहिए। इस राशि के जातक आज खाली वक्त में रचनात्मक कार्य करने का प्लान तो बनाएंगे, लेकिन उनका यह प्लान पूरा नहीं हो पाएगा। आज अपने जीवन साथी का वह रुख देखने को मिलेगा जो उतना अच्छा नहीं है। उपाय करें, क्या उपाय करें? अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका को चांदी की रिंग गिफ्ट करने से आपकी जो लव लाइफ है वो बेहतर होगी। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, अपनी सेहत के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता ना करें। निश्चिंतता बीमारी की सबसे बड़ी दवा है। आपका सही रवैया गलत रवैये को हराने में कामयाब रहने वाला है। और अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि उसके आज चोरी होने की संभावना बनी हुई है, मिसप्लेस हो सकता है या चोरी हो सकता है। खासकर अपने पर्स को आज बहुत संभाल कर रखें। ऐसे लोगों से दूरी रखें जिनकी बुरी आदतें आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। रोमांस रोमांचक होगा, इसलिए उससे संपर्क करें जिससे आप प्यार करते हैं और दिन का भरपूर लुत्फ लें। यदि आप नई जानकारी और क्षमताएं विकसित करने की थोड़ी ज्यादा कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। वक्त की नजाकत को समझते हुए आज आप सभी लोगों से दूरी बनाकर एकांत में वक्त बिताना ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसा करना आपके लिए हितकर भी होगा। आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी, प्यार और उल्लास का केंद्र बन सकता है। आज का उपाय है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरी ज्वार का दान करें या फिर गाय को खिलाएं। मकर राशि यानी के कैप्रिकॉर्न साइन, आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेल कूद को शामिल करना आपके लिए काफी हितकर रहेगा, आपकी सेहत के लिए हितकर रहेगा। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहने वाला है। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में भी इजाफा करेगा। अपने प्रिय से दूर होने के बावजूद आप उसकी मौजूदगी महसूस करेंगे और किसी नई परियोजना पर काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार अवश्य करें। आज अपने लिए वक्त निकालकर अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान आप दोनों के बीच थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है,
आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। उपाय क्या है आज का? धूप में रखी हुई नारंगी या गुलाब रंग की कांच की बोतल के पानी का सेवन करने से आपके रोजगार या व्यापार में आपको मिलेगा लाभ। कुंभ राशि यानी के एक्वेरियस साइन, अगर आपकी योजना कहीं बाहर घूमने फिरने की बन रही है तो आपका वक्त आज हंसी खुशी और सुकून भरा रहने वाला है। आज आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसा भी प्राप्त हो सकता है जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज का दिन मजे करने के लिहाज से बहुत बढ़िया दिन है, इसीलिए अपनी पसंदीदा चीजों और काम का लुत्फ आप उठाएं। आपका प्रिय आज कुछ खींचा हुआ महसूस कर सकता है जो आपके दिमाग पर दबाव और बढ़ा देगा। इससे पहले कि वरिष्ठ को पता लगे, लंबित काम जल्दी ही आप निपटा लें। आप उन लोगों की तरफ वादे का हाथ बढ़ाएंगे जो आपसे मदद की गुहार करेंगे। बिन बुलाए किसी मेहमान की वजह से आपकी योजनाएं तो गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन आपका दिन काफी खुशनुमा हो जाएगा। उपाय, नहाने वाले पानी में हरी मूंग के 5 दाने डालकर आप स्नान करें, उससे आपके रोजगार या व्यापार में आपको सफलता हासिल होगी। अंत में मीन राशि यानी के पाइसिस साइन, देखिए कोई दोस्त आपकी सहन शक्ति और समझ की परीक्षा ले सकता है आज। अपने मूल्यों को दरकिनार करने से आपने बचना है और हर फैसला तार्किक तरीके से करना है, लॉजिकली वे में जाकर के। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलिए, इससे आपको धन का लाभ होगा। पारिवारिक यानी परिवार के जो लोग हैं उनका आज हंसी मजाक भरा जो बर्ताव घर के वातावरण को काफी हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाएगा। आप अपने प्रिय की बाहों में आराम महसूस करेंगे। आज अनुभवी लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करें कि उनका आपके बारे में क्या कहना है। खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज आदि देख सकते हैं। जीवन साथी के साथ ये दिन और दिनों की अपेक्षा काफी बेहतर गुजरेगा। उपाय क्या किया जाए? उपाय है घर में लाल रंग के पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने से आपके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होगा। तो साथियों, ये था दैनिक राशिफल। 12 राशियों के जो आप जातक हैं उनके विषय में हमने मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी राशियों के जातकों के विषय में आज बताया है कि उनका ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर दिन कैसा जा सकता है। तो अब समय आ गया है कि हम अपनी वाणी को विराम दें और अपने सभी श्रोतागणों से इजाजत लें। तो इसी के साथ साथियों, जय माता दी।